हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक वीडियो जो कि है टैनिंग के ऊपर, कि टैन किया और इसे कैसे हम हील कर सकते हैं होम रेमेडी से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को इंजॉय कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए लास्ट में। तो चलिए बताते टैनिंग क्या होती है। पहले जैसे कि जब बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊँ कि टैनिंग क्या होती है, तो जब भी आप सनलाइट में बाहर जाते हैं, जो सन की जो रेज होती हैं वो हमारे स्किन पे एक ब्लैक कलर की लेयर क्रिएट कर देती है, जिसे हम टैनिंग कहते हैं। ठीक है, अब वो आपको कहाँ देखने में मिलती है? ज़्यादातर आपके फीट पे, आपके हैंड्स पे, आपके फेस पे, ठीक है, या आपकी कमर पे। तो ये एरिया, क्योंकि ये एरिया जो है कवर नहीं होता है, इस वजह से हमारी टैनिंग जब बहुत ज़्यादा इधर देखने को मिलती है, और जो आपका जी जहाँ पे आपने कपड़े पहने होते हैं वहाँ पे टैनिंग बहुत कम होती है। तो इस वजह से जो है वो टैनिंग अच्छी भी नहीं लगती है, कि लेयर टाइप से अलग ही दिखती है कि हमारे स्किन पे टैनिंग हो गई है। बहुत जब हम चप्पल पहनते हैं, कोई ऐसी हम स्लीपर पहन लेते हैं जो कुछ इस टाइप ऐसे टाइप की होती है, जो हाफ हमारी जो लेग है वो कम कवर करती है, हमारे जो फीट होता है आधा ही कवर करती है, तो उसकी वो निशान पड़े आते हैं उस तरीके के, तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगते हैं वो। तो उसी को हम जो है टैनिंग कहते हैं। तो अब इसको रिमूव कैसे करेंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए, तो टैनिंग हटाने के लिए मैं आपको एक पैड बताऊँगी जो आपको अपने बॉडी पर लगाना है, जहाँ जहाँ पर टैनिंग आपको दिखती है, और आप चाहें तो फुल बॉडी पर भी आप इसे इस पैक को लगा सकते हैं। ये एज अ स्क्रबर, एज अ पैक आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छे से जो है आपकी टैनिंग रिमूव करेगा, और बहुत कोई भी हार्मफुल इसके जो रिजल्ट है नहीं होंगे, क्योंकि ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये पैक और यह स्क्रब कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच गेहूँ का आटा जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं आटा, और एक चम्मच जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, और यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून मलाई, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। तो इसको अच्छे से जो है आप पहले मिक्स कर लीजिए, इस तरीके से आप जो है इसे मिक्स कर सकते हैं। ये सारे ही जो इन्ग्रीडियंट है नेचुरल है, आपको पता है हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब गुलाब जल, तो गुलाब जल ऐड करके जो है मैं इसका एक फाइन पेस्ट बनाऊँगी। ये मैं डाबर का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको हाथ पे लगा के अप्लाई करके दिखाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे हाथ और पैरों पर ही टैनिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अनइवन सी स्किन जो है हाथ पैरों की होती है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसे इस तरीके से जो है आप मसाज कीजिए, और मसाज करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे जो है हल्के गर्म पानी या नॉर्मल पानी से भी जो है आप वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही हल्के हाथ से इसे मसाज करेंगे, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फ़र्क दिख रहा होगा, आप इसे रेगुलर अप्लाई करें। तो आपको जो है इस तरीके से इस पैक को अपनी बॉडी पे 50 से 20 मिनट्स के लिए लगा के रखना है। आप वीक में 4 से 5 दिन भी इसे, आप चाहे तो डेली भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नहाने से पहले आप इस स्क्रब को या इस पैक को अपने जहाँ जहाँ पे जैसे फीट पे, आपके पैरों में, आपके हाथों में अगर टैनिंग है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं नहाने से पहले। तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे लिए मलाई, दूध, ये दोनों ही हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। राइस फ्लावर जो है बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो राइस फेशियल के ऊपर लेकर आने वाली हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो होगी, जरूर देखिएगा आप उसे। तो राइस हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरियन में भी राइस को बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट माना गया है हमारे स्किन के लिए। तो राइस भी काफ़ी अच्छा रहता है, ग्राम फ्लावर जैसे कि आटा, आटा भी हम लोग जैसे कि आप लोग जानते होंगे जिनके घरों में यूज़ होते होंगे, अभी भी जो पुराने ज़माने के लोग थे वो क्या करते थे, हल्दी आटा अपने स्किन के टैनिंग को रिमूव करते थे। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप हल्दी इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हल्दी आप जो है ऑरिगेनिक की यूज़ करें, वरना जो स्टेन है वो रह जाता है। तो ऑरिगेनिक वाली की यूज़ करें, जो किचन में अवेलेबल होती है वो ना करें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कलर अवेलेबल होता है, जो कि हमारे स्किन में येलोइश बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उसको आप अवॉइड करके ऑरिगेनिक ही जो है हल्दी का प्रयोग करें, अगर आपको करना है इसके अंदर तो।
काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा है, आप इसे ट्राई करके देखिए। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।